की जंग वो नहीं जीत पाएगा। इसी वजह से अमेरिका पश्चिम एशिया से अपना बुरिया बिस्तर समेट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के वॉर गेम का पूरा प्लान सामने आ गया है। युद्ध के 70 दिन बाद पता चल गया है कि खुद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति से पर्दा उठाया है। ईरान ने बता दिया है कि उसका अगला वार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा। ईरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा धमाका जो कयामत ला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा, जिसे ना इजराइल रोक पाएगा ना अमेरिका। पर अब ईरान ने जो कहा है उसने अमेरिका और इजराइल की सांस हलक मिला दी है। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि गाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, ईरान का मकसद इजराइल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है। इतनी बड़ी और पेचीदा जंग जिससे इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही दलदल की तरफ फंसते चले जाएं। ईरान के इस वॉर गेम में तो गाजा बस एक शुरुआती पॉइंट है। ईरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इजराइल के पड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इजराइल के दक्षिण में मीलों दूर बसे यमन तक फैला हुआ है। ईरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है, वो लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला से भी इजराइल पर हमला करवा रहा है और इजराइल के दूसरे पड़ोसी देश सीरिया में तो खुद ईरान मौजूद है, उसने वहां से इजराइल को घेर रखा है। सीरिया और इजराइल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों की खबरें आ रही हैं और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों की। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में तैनात किए, तो ईरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इजराइल के पीछे छोड़ दिया। हूथी विद्रोही फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इजराइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है, वो वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल गाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा। हूथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कंपनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तौबा कर ली है। इस वजह से एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का लंबा चौड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की पहरेदारी करनी पड़ रही है। हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में 15 ड्रोन मार गिराए। तो क्या ईरान की चाल में फंस गए हैं अमेरिका और इजराइल? अमेरिका और इजराइल अपने ताकतवर हथियारों और पैसे के दम पर गाजा की जंग लड़ रहे हैं, मगर ईरान की IRGC के हेड मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दो टूक कहा कि पश्चिम एशिया की जंग ना पैसों से जीती जा सकती है ना हथियारों से। उन्होंने अमेरिका पर बेहद तीखा वार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कब्जा अमेरिका को जीत दिला पाएगा, क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा, क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, क्या अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करके लेबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान छोड़ना पड़ा। ईरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाए वो अहम है।
अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदाहरण है। अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी, मगर 2 दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया। तो क्या ईरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इजराइल के खिलाफ अपना हथियार बनाना चाहता है? क्या गाजा को इजराइल के लिए अफगानिस्तान बना देगा ईरान? क्या ईरान इजराइल का वही हश्र करने वाला है जो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा, उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई अहम जंग जीता है। अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, JJM यानी कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का महा बड़ा खुलासा हुआ है। NJJM की रिपोर्ट में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। NJJM की टीम ने की थी मामले की जांच। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से पर्दाफाश हुआ है। बेहद घटिया गुणवत्ता सामग्री लगाए जाने का खुलासा हुआ। केंद्र की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के निर्देशों की धज्जियां उड़ी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर, JJM में महाभ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया गया है। साफ हो गया कि घटिया सामग्री का सामान इस्तेमाल किया गया था। घटिया सामग्री के पाइप, जंक लगे हुए पाइप का इस्तेमाल किया गया था। लगातार जो JJM के कार्यों में कई चौंकाने वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई हैं। DPR में भी भ्रष्टाचार, घटिया क्वालिटी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप, बिना लैब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए। ठेकेदारों को रंगीन बिलों का नियम के खिलाफ भुगतान किया गया है। जांच रिपोर्टों में भारी अनियमितताओं का एक बड़ा खुलासा हुआ है। NJJM की टीमों ने पेश की है JJM के कामकाज की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हैं। राकेश, आखिरकार खुलासा हो ही गया। JJM के कार्यों में कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं, एक महाभ्रष्टाचार का पोल अब सामने आ गया है। राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से न्यूज 18 लगातार जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले उजागर करता रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसने इस जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की है और जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। चूंकि पिछली सरकार ने राजस्थान में जो जल जीवन मिशन के कार्य करवाए गए हैं उन कार्यों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ तक कि जहाँ पर जो स्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगह प्लास्टिक के पाइप लगाए गए, और चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्लास्टिक के पाइपों की गुणवत्ता भी जांच नहीं की गई। हाँ। और रनिंग बिलों का ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया, यानी जहाँ पाइप, जो लोहे का पाइप लगभग 2 से 2500 रुपए का एक अगर पाइप माने हम, तो वो उस पाइप की जगह 150 रुपए का पाइप लगाया गया और उसकी जांच के बिना ही भुगतान किए गए। साथ ही जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रूवल का जो एक कंसेप्ट होता है ड्राइंग डिजाइन, उसकी बिना अप्रूवल के ही निर्माण कार्य शुरू किए गए, यानी जो नींव रखी गई जल जीवन मिशन के कार्यों की उनमें भी भ्रष्टाचार सामने आया है। जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए NJJM की टीम ने राजस्थान के कई जिलों का दौरा किया, उन तमाम जिलों में जब जांच की गई तो ये सामने आया है कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ ठेकेदारी शामिल नहीं थे बल्कि जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि जिस तरीके से भुगतान किया गया है कार्यों का, वहां पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के दिशा निर्देश जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए थे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही इन बिलों का भुगतान होना था, लेकिन यहां राजस्थान में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच के लिए थर्ड पार्टी के लिए मैन पावर ही नहीं था, यानी बिना कार्यों की गुणवत्ता, बिना निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच के ही जो अधिकारियों ने ठेकेदारों को बिलों का भुगतान किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था, NJJM की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे ठेकेदारों के को जो विभाग के अधिकारी और संबंधित एजेंसियां हैं उन्होंने
जो है कहीं ना कहीं बचाया है और उनके साथ उनकी मिलीभगत संलिप्तता भी सामने आई है। जो पाइप लगाए गए हैं डीआई पाइप और जो एचडीपी पाइप है, उन पाइपों के लिए जो फैक्ट्री के दिशा निर्देश थे कि क्या कुछ वहां पर होना चाहिए था, किस तरह की गुणवत्ता मेंटेन करनी चाहिए थी, वो भी उन फैक्ट्रियों में नहीं पाई गई। तो लगाई गई निर्माण सामग्री में तो बिल्कुल ही नहीं पाई बिल्कुल गई है। राकेश, यानी इसका मतलब ये है कि इतना बड़े सीमा पर भ्रष्टाचार और किया गया है और इसीलिए जब बारिश या मौसम खराब होता है तो जीवन लोगों के अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सड़कों पर पानी जलभराव की समस्या आने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जेजिया में महाभ्रष्टाचार का महाखुलासा हुआ है। नेशनल यानी कि केंद्र जल जीवन मिशन ने